हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, रेलवे शर्मा ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है तहे दिल से। तो दोस्तों, फाइनली बोनस आ गया है और जितना बता रहे थे उतना ही आया, 17,951 रुपया अकाउंट में कल शाम को आ गया था। और जितने भी रेलवे कर्मचारी हैं, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हैं, सभी को बोनस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मुझे भी था, और जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी हैं सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। क्योंकि अभी के टाइम में दशहरा हो गया, दीपावली हो गया और बहुत सारा त्यौहार अभी से स्टार्ट हो जाता है, तो सभी को इंतज़ार रहता है बोनस का, पेमेंट का। पेमेंट का तो इंतज़ार रहता है पूरा एक महीना बीत जाने के बाद 30-31 तारीख को, लेकिन ये बोनस कभी भी आ जाता है, महीने के किसी भी तारीख को आ जाता है, क्योंकि ये दशहरा से पहले 8वीं 9वीं से पहले ही आ जाता है। और अभी देखिए, दशहरा से पहले आ गया और 8वीं 9वीं अभी तो 2-3 दिन बच रहा है। आज लगता है 7वीं है कि हाँ, शायद 7वीं है, तो 7वीं के दिन आ गया है बोनस। सभी जितने भी एम्प्लॉई हैं, रेलवे हो गए चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो गए, सभी को आ गया होगा और मुझे भी आ गया है। कल शाम को तो नहीं देख पाए, लेकिन सुबह उठे तो देखे तो मैसेज आया हुआ था। तो दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है और फैमिली में सभी को आशा रहता है कि बोनस आएगा तो ये चीज़ लेंगे, वो चीज़ लेंगे, नया नया कपड़ा लेंगे, सभी को इंतज़ार रहता है। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे जितने भी एम्प्लॉई हैं, सभी को इंतज़ार रहता है। तो दीपावली को तो मालूम था कि इधर 2-3 साल से उसको मालूम है कि दीपावली दशहरा में बोनस आता है पापा का, तो वो 2-3 दिन पहले से ही पूछ रहे थे कि पापा बोनस आया, तो हम बोल रहे थे कि अभी नहीं आया बेटा, अभी 2-3 दिन के बाद आएगा। तभी बताया नहीं है दीपावली को कि बोनस आया है, तो वो पहले से प्लान बना रखे थे कि बोनस आएगा तो ये चीज़ ले दीजिएगा, कपड़ा ले दीजिएगा, क्योंकि नवंबर में शादी है तो शादी में जाने के लिए पूरा तैयारी कर रही है। तो ठीक है, अभी बताएंगे दीपावली को, तो खुश भी होगी और उसका जो डिमांड है वो पूरा करना पड़ेगा। इस बार तो दोस्तों पूरा फुल बोनस आया है मेरा, 17,951 रुपये फुल आया है। और इससे पहले 21-22 में मैं 1-2 दिन अपसेंट था, तो अपसेंट का 100 रुपया की 200 रुपया ऐसी कट के आया था, तो 17,906 कुछ ऐसी आया था, उतना नहीं मेरे को मालूम है, लेकिन कट के आया था। तो वही दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आप सबको बताया था कि जैसे 22 और 23 के बीच जो 2022 और 23 का जो रहता है वो बोनस मिलता है। तो अभी देखिए 2022 और 23 का अप्रैल 2022 और मार्च 2023 के बीच का बोनस आया है। अगर उसके बीच में उस दौरान आप ड्यूटी में ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं, अब्सेंट रहते हैं 1 दिन चाहे 2 दिन चाहे 1 महीना, जितना दिन अब्सेंट रहते हैं तो वो हिसाब से बोनस कट के आता है। तो इससे पहले भी मैं जब ज्वाइनिंग किया था, तो ज्वाइनिंग के समय तो मार्च में किया था, तो उस टाइम तो कट के आया ही था, लेकिन उसके बाद भी मैं जब शादी था मेरा, तो शादी के टाइम में 1 महीना चाहे 20 दिन ऐसे एब्सेंट हो गया था, तो उस टाइम भी कट के आया था। तो जो भी मेरे को जानकारी था वो मैं आप सबसे शेयर किया और बताया भी इससे पहले वाले वीडियो में भी, और इस वाले वीडियो में भी मैं आप सबको बता रहा हूँ। और जो नए भाई हैं, जो अभी ज्वाइनिंग किए हैं मार्च से पहले, अप्रैल से पहले ज्वाइनिंग किए हैं, और ये वीडियो को जो जो देख रहे हैं, जिनको ये मार्च से पहले ज्वाइनिंग किए हैं, उनको कितना बोनस मिला है, कितना कट के आया है, थोड़ा कमेंट में लिख के बताइएगा, ताकि सभी को मैं बता पाऊँ। जो भी नए कर्मचारी हैं, जो भी ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पर चाहे दूसरा पोस्ट पर ज्वाइनिंग किए हैं, उनको मालूम नहीं है कि कितना बोनस कट के आता है, कितना मिलता है और कितने दिनों का मिलता है, थोड़ा मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, तो उसके ज़रिए मैं और सभी को बता पाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबको दिखा देते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, अगर विश्वास नहीं है
तो दिखा देते हैं। और जो बोनस का जो लिस्ट आया था वो भी मैं आप सबको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कितने दिन का बोनस मिलता है, किसको किसको मिलता है। और दशहरा से पहले ये सब लिस्ट बन के आ जाता है। लिस्ट जब बनता है उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद बोनस मिल जाता है, तो सभी को खुशी है और जितने भी कर्मचारी है सभी को खुशी है। तो सोच रहे हैं कि बोनस में ये लेंगे वो लेंगे, तो ये तो जो भी फैमिली वाले हैं तो वो बच्चे के लिए पहले सोचते हैं कि हाँ बच्चे को पहले क्या क्या ले दें, वो पहले से प्लान बना के रखता है। तो पहले वो सबको जो भी लेने का है वो सब ले देते हैं, उसके बाद फिर अपना सोचेंगे। और घर में भी दो तीन बच्चा है तो उसके लिए भी लेना है, तो जो भी बोनस आया वो तो पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, कपड़ा लत्ता में ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए बोनस मिला है यही सब लेने के लिए। बोनस जो दिया जाता है सरकार के द्वारा यही सब त्यौहार के लिए दिया जाता है, खर्चा के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, खर्चा होता है तो होता है। तो चलिए दोस्तों अब आप सबको दिखाते हैं मेरा जो बोनस आया वो कब आया है। देखिए कल 9 बजे रात को आया था, और इसमें भी देखिए पूरा डिटेल से दिया हुआ है। क्रेडिट 17,951 रुपया, और कुछ पहले से था बैलेंस तो 18,043 रुपया हुआ है। और 19/10/2023 को आया था 21:04 पर, यानी 9 बजे शाम रात को आया था। ये तो मैं आप सबको दिखा दिया पूरी सच्चाई। अब चलिए वो लिस्ट तो आप सबको दिखा देते हैं, जो लिस्ट पहले बन के आया था बोनस का वो भी दिखा देते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आप सबको दिखाया था, तो अभी भी आप सबको दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये रहा, ये लिस्ट बन के आया था न्यू दिल्ली से, और 18/10/2023 को ये लिस्ट जारी हुआ था। पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस टू ऑल एलिजिबल नॉन ग्रेजुएटेड रेलवे एम्प्लॉयज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का, 2022-23 का 78 दिन का 78 दिन का मिलेगा। और देखिए 7,000 जो ग्रेड पे के हिसाब पर दिया गया है 7,000, तो अभी तो 18,000 है। सभी जो डी ग्रुप के एम्प्लाई हैं उनको 18,000 कर दिया गया है, लेकिन 18,000 के हिसाब से नहीं दिया गया है। ये जो पहले छठा पे कमीशन था उसी के हिसाब से 7,000 के हिसाब से दिया गया है। और देखिए 18,000 के हिसाब से कब से बोनस मिलता है ये तो पता नहीं है। और देखिए नीचे दिया हुआ है 17,951 रुपया, जितने भी ग्रुप सी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं उनको दिया जाएगा। देखिए ये साइन मोहर है, इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं आप सबको यही लिस्ट दिखाया था, और उसमें साफ से दिख नहीं रहा होगा इसीलिए सोचे कि चलो फिर से दिखा देते हैं। और ये देखिए हिंदी में दिया गया है, देखिए वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सभी पात्र राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को उत्पादक संबंध बोनस का भुगतान कराना। तो हिंदी में आप भी पढ़ सकते हैं, देखिए धीरे धीरे ऊपर हम कर रहे हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और छुट्टी के लिए दौरान कम ना हो वो भी सब दिया गया है, जो अब्सेंट रहता है चाहे 2022-23 के बीच में अब्सेंट रहता है, जितना दिन भी अब्सेंट रहेगा वो हिसाब से काट के दिया जाएगा। सब चीज़ इसमें फारे फार लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से, हिंदी में है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बस इतना ही है। तो ठीक है दोस्तों, जो भी दिखाने का था मैं आप सबको, जो भी सच्चाई था वो मैं आप सबको दिखा दिया कि कितना बोनस मिला है हमको और कितना मिलता है सभी को, वो भी मैं आप सबको बता दिया दिखा दिया, ठीक है। और जो नए भाई ज्वाइनिंग किए हैं मार्च से पहले जिनका ज्वाइनिंग हुआ है वो थोड़ा बता दीजिएगा कि कितना कट के आया और कितना आपको बोनस मिला है मार्च से पहले वाले को, और मार्च अप्रैल वाले
जो मार्च अप्रैल से पहले ज्वाइनिंग किए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो मार्च अप्रैल के बाद किए हैं उनको आया है कि नहीं आया है वो भी थोड़ा कमेंट करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आएंगे, कुछ अलग बताएंगे, ठीक है।